बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ तड़का दाल, तड़का मूंग दाल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल में, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी वो है जी प्याज, टमाटर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है, साथ लाल मिर्च, साथ में साबुत लाल मिर्च यूज़ की है ये, और उसके बाद तड़का देने के लिए ये सारी चीज़ें तड़के में हम यूज़ करेंगे, इतने सारी नमक और साथ ब्लैक ज़ीरा गरम मसाला हम इस्तेमाल करें, और साथ ये ऑयल, और इसमें लहसुन मैंने किया और सब्ज मिर्चें, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो दाल है इसको बॉयल करना है, इसको मैंने 100% बॉयल करना है, तो इसको मैंने बॉयल करते हुए रख दिया, ठीक है। ये सही वाली जब बॉयल हो जाएगी तो हम लोग फिर नेक्स्ट इस पर नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मैंने ये नमक डाल के रखी है, नमक में इसको बॉयल करना रखा है, और ये तकरीबन बॉयल हो चुकी है, तो इसका पानी ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा, पानी सारा सॉफ्ट हो जाए आपका, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जी ऑयल ऐड कर लें आप, ऑयल के बाद ये लाल मिर्च, ज़ीरा और ये एक सब्ज मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे लहसुन, लहसुन के बाद जितने भी मसाला हैं ये हम ऐड कर देंगे, नमक हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी दाल में डाला हुआ। प्याज, और उसके बाद टमाटर, सारे मसाले हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे इकट्ठे डाल दिए। सारा जो हमने ये मसाला बनाया है इसको अपने भून लेना है, ये हमारी तड़के वाली दाल की रेसिपी है। और ये हो गया सालन, और दाल जो है ये देखें हमने टोटली बॉईल कर लिया है, इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। ये लेंगी बस इतनी सी टाइम था, 4 से 5 मिनट में बस आपको दाल जो है वो पहले बॉईल कर लेनी है, और इतने से टाइम में हमारी जो दाल है वो रेडी है, ठीक है। मस्ट ट्राई इट एट योर होम्स, सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है इस तरह की दाल, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल है। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही मज़े की दाल बनी है। चले मैं डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ।
ये रही जी हमारी जो दाल है ढाबा स्टाइल मूंग की दाल जो हमने बनाई है तड़का दाल, वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको अपने बच्चों को रोटी में लगा कर दें, आपके बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। और ये आप रोल बना के बच्चों को रोटी के दरमियान डाल के दें, आपके बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।